देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में जुड़ चुकी हैं बिहार की जानी मानी और सबसे बड़ी स्त्री रोग विशेषज्ञ पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर शांति राय। मैम, आपसे हम लोग ये समझना चाहेंगे कि अभी ठंड का बहुत ज़्यादा प्रकोप आ रहा है, ठंड है बहुत ज़्यादा, तो इसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं तो उनको आप क्या सलाह देंगी कि किस प्रकार वो अपनी देखभाल करेंगे? ठंडा गर्भवती महिलाओं के लिए और भी अधिक खतरनाक होगा। वैसे तो ठंडा बहुत अधिक होने से सबके लिए खतरा बढ़ जाता है, खांसी सर्दी इस मौसम में ज़्यादा होती है, निमोनिया का डर ज़्यादा रहता है। अगर जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं उन लोगों को थ्रोम्बोसिस होने का, ब्रेन के स्ट्रोक होने का डर ज़्यादा रहता है। गर्भवती महिलाओं को भी काफ़ी खतरा रहता है, अगर उन्हें सर्दी खांसी हो या निमोनिया हो तो उनके साथ साथ बच्चे के ऊपर भी असर पड़ता है, और वे अगर बीमार पड़ती हैं तो उनको अगर ऑक्सीजन की किसी भी कारण से कमी होती है तो उसके चलते बच्चे को, जो पेट में बच्चा है उसको नुकसान पहुंचता है। इसलिए उन्हें अपनी हिफाजत सबसे अधिक करनी चाहिए, और सुबह में कभी भी जब वो जगती हैं तो जगने के बाद अचानक खाली देह, मतलब बिना स्वेटर वगैरह पहने हुए बाहर नहीं निकलना चाहिए। स्वेटर पहन के निकलें, सिर को हमेशा ढक के निकलें, ठंडी हवा में सिर को एक्सपोज ना करें, क्योंकि उससे ब्लड वेसल्स में रक्त के जमने की संभावना और थ्रोम्बोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सिर ढका रहना चाहिए, देह में स्वेटर या शॉल कुछ लपेट के ही ठंडी हवा में बाहर जाना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और खाने पीने में मैम, कुछ खाने पीने में, चूँकि जाड़े के दिनों में तो काफ़ी ताज़े फल मिला करते हैं, तो ताज़े फल का सेवन दोपहर के समय में करना उनके लिए हानिकारक नहीं है। बहुत लोगों के मन में भ्रम रहता है कि जाड़ा है तो ठंडा चीज़ नहीं खाना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वे फल अच्छी तरह से खा सकती हैं, सभी फल खा सकती हैं। पपीता खाने के लिए लोग मना करते हैं और अनानास खाने के लिए, अदरवाइज सभी फल वो ले सकती हैं।